नमस्कार साथियों, आज मैं आपके पास दिशा संबंधी का जो बाकी चैप्टर शेष रह रहा है, परछाई संबंधी, रील संबंधी, कोण संबंधी, वो लेके आया हूँ। आज आपके पास परछाई संबंधी रहेगा। तो देखो, पहले आप बेसिक समझ लीजिए परछाई का। आपके पास सबसे बड़ा चीज ध्यान रखना कि जो व्यक्ति होता है ना, व्यक्ति की जो परछाई होती है, व्यक्ति की परछाई उसके विपरीत पड़ती है। पूर्व में तो पश्चिम पड़ेगी, उत्तर है तो दक्षिण पड़ेगी, ठीक है। अब सवाल कैसे बनता है कि प्रातः काल राम और श्याम एक बगीचे में आमने सामने आ रहे थे, तो प्रातः काल किधर हो गया? मान लीजिए सूर्य, तो यहां हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। इसे बोलते हैं अपन क्या? प्रातः काल। इसे मान लो क्या बोलते हैं आप? श्याम। इसे बोलोगे क्या? पश्चिम। तो देखो, प्रातः काल मान लीजिए राम और श्याम पूर्व से या आमने सामने बगीचे में आ रहे थे, तो आपके पास प्रातः काल इधर रहा, तो अब ये पता नहीं कौन सा कैंडिडेट किधर को आ रहा है, तो अपन ने मान लीजिए यहां रख दिया, यहां रख दिया। मान लो एक तीर का चिन्ह यहां मान दिया और यहां मान दिया। अब देखो, मैं जैसे बोल रहा हूं प्रातः काल राम और श्याम सूर्य राम और श्याम एक बगीचे में आमने सामने आ रहे थे, तो राम की परछाई, तो या फिर राम ने देखा कि श्याम की परछाई श्याम के बाईं ओर पड़ रही है। तो देखो, पहले तो ध्यान रखो, ये जो आपके जो हाथ है वो सर कौन सा है? इसे बोलोगे दायां। और ये जो हाथ है वो क्या बोलोगे आप? बायां। बायां हाथ, ठीक है। और ये जो आप नीचे, आपके पास क्योंकि अब नीचे दक्षिण की तरफ है, ये उत्तर की तरफ था, तो ये हाथ को आप क्या बोलोगे? इस हाथ को पलट जाएगा हाथ अपन के, क्योंकि दक्षिण की तरफ है ना मुंह, तो आपके पास ये हो जाएगा बायां। क्यों? क्योंकि अपन दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, ये उत्तर की तरफ देख रहे थे, ये हो जाएगा दायां। तो देखो, यानी आपके पास बोलता है कि राम की परछाई श्याम के दाएं तरफ पड़ रही है, तो राम की परछाई श्याम के क्या पड़ रही है? दाएं तरफ। राम मान लीजिए ये है और ये श्याम, तो राम की परछाई श्याम के क्या पड़ रही है? दाईं तरफ पड़ रही है ना, और शाम की परछाई राम के बाईं तरफ पड़ रही है। शाम, ध्यान देना थोड़ा सा, बेसिक ही समझा रहा हूं कि राम की परछाई शाम की बाईं दाईं तरफ पड़ रही है, पड़ रही है सर, क्योंकि यहां सूर्यास्त के समय था ना, मैंने बोला। अभी सवाल कराऊंगा, समझा रहा हूं। राम की परछाई शाम के दाईं तरफ पड़ रही है और शाम की परछाई राम के बाईं तरफ, ठीक है? शाम की परछाई राम के बाईं तरफ, ऐसे सवाल पूछता है। देखो, अब सवाल लेते हैं अपन। सवाल नंबर पहला लेंगे अपन, है ना, ठीक है। सवाल नंबर पहला लेंगे अपन। तो सर देखिए, अब सवाल करते हैं अपन। पहला सवाल है आपके पास, तो देखिए, प्रातः काल सोहन और मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, तो मोहन ने देखा कि मोहन ने देखा कि सोहन की परछाई, तो मोहन ने देखा सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन की दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है? तो देखिए, मैंने बताया था अभी क्या है कि आपके पास पहले तो प्रातः काल, चलो ये प्रातः काल अपन ने रख दिया, यहाँ सूर्य और ये पूर्व में रहता है, क्योंकि प्रातः काल बोल रहा है ना, तो यहाँ रख दिया प्रातः काल। अब देखिए कंसेप्ट समझना आप, सोहन और मोहन दोनों थे, अब अपन को पता नहीं है, तो आपने यहाँ पे मान दिया सोहन था आपके पास इधर से आ रहा था, मान लीजिए अभी तो रखा नहीं है, और यहाँ एक कैंडिडेट इधर से आ रहा था। तो देखो, यहां से शुरू करेंगे। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाई ओर पड़ रही है। अभी मैंने बताया था ना, ऊपर का जो कैंडिडेट था ना, जो दक्षिण तरफ मुख रहा था, उसकी परछाई बाया दाया रहेगी, और आपके पास सोहन है, तो जो आपके पास सोहन जो नीचे वाला कैंडिडेट है, उसकी परछाई उसके बाया रहेगी। कब? आपके पास जब सूरज या सूर्य प्रातः काल उगरा होगा। तो देखो, यहां तो आपके पास मैंने रखा और यहां पे दिशा रख दिया मैंने, इसका मैंने बताया था आपके पास क्या रहेगा? दायां। ये क्या रहेगा? बायां। इधर क्या रहेगा? दायां। इधर क्या रहेगा आपके पास? बायां। सॉरी, उल्टा हो जाएगा ना ये, तो देखो आपके पास ये क्या जाएगा? बायां पलट जाएगा, नीचे मुंह आपके पास, और ये उत्तर की तरफ है, इसका उत्तर इसका दक्षिण की तरफ, और ये आ जाएगा आपके पास दायां। तो देखो,
सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के बाएं दाईं ओर पड़ रही। किसने देखा? सोहन ने। तो इसका मतलब सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो देखो ये सोहन मानेंगे क्योंकि यहां सोहन रख दोगे। किसने देखा? सोहन ने। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो इसकी तो सर परछाई बाईं ओर पड़ रही है, तो मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर, तो यही तो पड़ रही है परछाई प्रातःकाल। तो ये कौन सा हो जाएगा आपके पास? मोहन। मोहन हो गया आपके पास। तो मोहन की परछाई क्या आ गई आपके पास? दाईं ओर। अब क्या बात कर रहा है? तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है? तो मोहन का मुख किधर आ गया आपके पास? मोहन का मुख जो आपके पास आ चुका है वो दक्षिण दिशा में आ चुका है सर। एक बार फिर देख लीजिए, प्रातः काल आता है तो आपके पास इधर रखोगे, आपके पास मैंने बता चुका हूँ हाथ का, आपका हाथ है वो पूर्व पश्चिम का ध्यान रखोगे। पूर्व कौन सा होता है? तो आपके पास प्रातः काल, यानी आपके पास जो दाएं हाथ पूर्व रहेगा और आपके परछाई विपरीत रहती है। सोहन और मोहन आप आ रहे थे बगीचे में आमने सामने, तो किसने देखा? सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कैसे डायमोग्राम बनेगा। तो आपके पास अभी देखो मोहन की परछाई दाईं ओर, तो किसकी पड़ेगी? मोहन का बनेगा क्योंकि इसकी पड़ रही है परछाई दाईं ओर। सो अब जिसकी निचले वाली आपके पास उसकी बायां पड़ रही है, तो बायां तो फिर सोहन बैठा होगी, और मोहन के दाईं ओर तो मोहन की परछाई दाएं ओर होगी। तो मोहन का मुख किस दिशा में इस वक्त? और ये इस तो आपका मोहन का कौन सी दिशा में आ गया? दक्षिण दिशा में आ चुका है। ठीक है, तो दक्षिण दिख रहा है, ये उत्तर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक चलिए इसको मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा कहता है, सरिता व सविता प्रातः काल बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बतिया रही थी, बातें कर रही थी आपस में आके। देखो कौन? सविता, सरिता और सविता। सविता ने देखा, किसने देखा? सविता ने देखा कि सरिता की परछाई सरिता के बाईं ओर पड़ रही है। सरिता की परछाई सरिता के बाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ सविता का मुख किस दिशा में है? तो देखो पहले क्या बात कर रहा है वो? प्रातः काल, अपन ने प्रातः काल रख दिया। ठीक है, प्रातः काल यहाँ पूर्व, और इसे बोलोगे आप प्रातः। ठीक है, अब बात आ रही है दो कैंडिडेट कौन से, सरिता और सविता। तो देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, आमने सामने आ रही है ये इधर से और ये इधर से आ रही है। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ, पहले आप इसको रख लोगे अपन, ये यहां से क्या होगा, ये दायां होगा, ये बायां होगा, ये क्या रहेगा? बायां रहेगा, ये क्या रहेगा? दायां रहेगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, देखो अपन दोनों बतिया रहे थे। सविता ने देखा कि सरिता की परछाई सरिता के क्या पड़ रही है? दाई बाई ओर पड़ रही है सर। सविता ने देखा कि सरिता की परछाई सरिता के बाई ओर पड़ रही है। तो देखो बायां कौन सा आ गया? ये किसके? सविता ने देखा कि सरिता की परछाई सरिता के बाई ओर पड़ रही है। तो ये सरिता, इसका मतलब जिसका बाया दे रखा उसी पर रख दो। तो ये कौन है, क्या नाम आ गया इसका? ये आ गई सरिता। यहाँ पर सरिता जी को लगा, लिख दिया अपन ने। अब कौन बची? कविता। तो यहाँ लिख दिया सॉरी सविता ना, तो सविता। अब किसकी बात कर रहा है वो? वो बात कर रहा है तो बताओ सविता का मुख किस दिशा में? तो सविता ये रही, और अब सविता का मुख कौन दिशा में हो गया? नीचे। तो आपके पास जैसे रखते हैं ना अपन, ये तो कौन सा दिशा हो गया आपके पास? तो ये सरिता का, सविता का मुख कौन सी दिशा में आ गया? ये आ गया आपके पास दक्षिण दिशा में। यदि आपके पास बात कर रहा करता ना वो, किसकी? सविता की बात कर रहा, तो सविता का दक्षिण आ गया, सविता की तो पूछ रहा है, और सविता की बात करता है तो आपके पास कौन सा आता? उत्तर में आता। सवाल नंबर तीसरा और देखते हैं। देखिए सवाल नेक्स्ट, हेमराज सिर के सहारे उल्टा खड़ा है, यदि उसका मुख, यदि उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में होता तो उसका मुख किस दिशा में है? तो देखो हेमराज को अपन उल्टी सिर करके खड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि मान लो उसका दायां हाथ, तो ये हाथ रहेगा सर, दायां तो ये रहेगा आपके पास। उल्टा खड़े करते हैं मान लो कोई कैंडिडेट को, तो ये मान लीजिए उल्टा खड़ा कर दिया अपन ने इसको, ये मान लीजिए, तो ये हाथ इसका क्या नाम से क्या रहेगा? तो दायां हाथ तो ये रहेगा, और वो क्या बात कर रहा है? उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में, तो देखो इसका दायां हाथ पूर्व दिशा में। ठीक है, और आपके पास फिर क्या आ गया? ये पश्चिम दिशा में। ठीक है सर, यहां तक। अब आगे देखो, तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में? आप ऐसी कंडीशन में खड़े हो तो आपके पास उल्टा मुंह हो जाएगा सर आपके पास। तो ये जो आपके पास मुख आ जाएगा, तो कौन सी दिशा में आ जाएगा उसका मुख? ये आ जाएगा कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में।
एक बार फिर समझ लो, हेमराज के सहारे उल्टा खड़ा है इसका। आप जैसे आप खड़े हो तो आपके पास उल्टा खड़ा होगा तो मुंह इधर चल जाएगा, आपके पास विपरीत दिशा में है ना, तो आपके पास उत्तर में खड़े हो तो मुंह दक्षिण में हो जाएगा, पूर्व में खड़े हो तो पश्चिम में हो जाएगा। यदि उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में हो तो एक दिशा जरूर देगा अपन को, तो ये दायां हाथ कौन दिशा हो, पूर्व दिशा, अपने पास पूर्व हो गया इधर को। यदि इधर बात करता तो अपने पास उसके पलटना पड़ता, जैसे बोल रहा हो पूर्व दिशा में हो तो उसका मुख कौन से दिशा में होगा, तो देखो मुख कौन दिशा में होगा, इधर के आ जाएगा आपके पास। कंडेट मान लो कोई खड़ा है ऐसे, उसका जब पलटोगे तो आपके पास मुख कौन दिशा में आ जाएगा, दक्षिण दिशा में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपन। चलिए अब देखते हैं रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न में क्या है कि सबसे बड़ा तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन होती है वो कभी धुआं नहीं देती है ना। कभी कभार एग्जाम पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन धुआं देती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन का देता है, अपन चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर पूरा सवाल गलत कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन धुआं नहीं देती है, पहला नंबर नियम। दूसरा नियम का ध्यान रखोगे, आपके पास यदि ट्रेन स्थिर खड़ी है, यदि ट्रेन स्थिर खड़ी है तो आपके पास उसका धुआं है वो क्या रहेगा, उसके विपरीत दिशा में जाएगा। कब, जब हवा नहीं चल रही होगी, है ना, स्थिर खड़ी होगी या चल नहीं रही होगी, तो उसका धुआं क्या जाएगा, विपरीत दिशा में। पूर्व में की ओर मुख खड़ी है तो पश्चिम में उसका धुआं जाएगा, यदि उत्तर की ओर मुख खड़ी है तो दक्षिण। जैसे मान लो पहला है कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन धुआं नहीं देती है, दूसरा है आपके पास क्या कि आपके पास पहला तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन धुआं नहीं देती है, दूसरा है आपके पास यदि ट्रेन स्थिर खड़ी है पर हवा नहीं चल रही है तो आपके पास उसका जो धुआं है उसके विपरीत दिशा में रहेगा। कैसे मान लो, जैसे ट्रेन ये है, ये ट्रेन है मान लीजिए इधर चल रही है, और ये जो आपके पास इसका धुआं है, मान लो उत्तर की तरफ जा रही है आपके पास दक्षिण से, तो इसका धुआं है वो जब हवा नहीं चलेगी इस तरह खड़ी होगी तो किधर जाएगी आपके पास, यानी दक्षिण में जाएगा। लेकिन मान लीजिए सपोज करो हवा चल रही है, तो हवा चल रही है तो मान लो हवा चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो क्या करेंगे, हवा हवा आपके पास क्या हो जाए, विपरीत दिशा में कट जाती है। यदि ट्रेन आपके पास क्या जा रही है, मान लीजिए ट्रेन जा रही है पश्चिम से कितनी ओर, पूर्व की ओर, ट्रेन मान लो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, ये ट्रेन है मान लो, ये ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, इसे पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो आपके पास क्या रहेगी, जब मान लीजिए उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है तो हवा कट जाएगी, किधर से, उत्तर से चल रही है हवा मान लीजिए इधर से, तो हवा क्या करेगी, कट के उप दिशा जाएगी। यदि ट्रेन चल रही है आपके पास तब तो आपके पास क्या रहेगी, हवा उप दिशाओं में चल जाएगी, यदि ट्रेन खड़ी स्थिर खड़ी है तो उसका धुआं उसके विपरीत दिशा में जाएगा आपके पास। ठीक है, बेसिक समझ लीजिए, यदि ट्रेन स्थिर खड़ी है तो उसका धुआं उसके विपरीत दिशा में चल रही है तो उसकी उप दिशा में। अब मान लीजिए यहां से उत्तर से चल रही थी तो आपके पास ये दिशा आ गई, और इन दिशाओं को ज्ञान के लिए मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि आपके पास इनका जरूर नॉलेज रखना है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर दक्षिण, ये आपके पास उत्तर पूर्व, ये आपके पास उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूर्व। ठीक है, देखिए समझ बैठ गए, आपके पास उत्तर से चल रहा है तो इधर को, और मान लीजिए आपके पास ट्रेन इधर चल रही है, आपके पास इधर किधर से, पश्चिम से पूर्व की ओर, और हवा क्या है, हवा आपके पास दक्षिण से चल रही है इधर को उत्तर की ओर, तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी सर इधर, यानी काट देगा इधर को, है ना, ध्यान रखना, तो उपदिशाओं में आएगा। बेसिक समझ आ गया, अब लेते हैं क्या अपन इसका सवाल हल करते हैं सर। तो देखिए चलिए सवाल देखते हैं अपन। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, एक रेलगाड़ी किस तरह से, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है सर, अपन ने रेलगाड़ी बना दिया चित्र, आप चित्र देख के ऐसे सोच रहे होंगे कैसा चित्र बना दिया, आप कैसे भी रख लो सर, ये कैसे भी आपके पास मान लो ट्रेन रहेगी सर, देख लीजिए यहाँ अपन ने क्या बात कर रहा था, पूर्व से, देखो पूर्व से चल रही है ना, तो ये तो पूर्व था, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। चलिए फिर दे रखा है हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, किधर से, उत्तर से, ये हवा चल रही है उत्तर से, तो देखो आपके पास हवा उत्तर से दक्षिण की ओर, मान लीजिए ट्रेन ये है, इसका ये धुआं है ये निकलने के लिए, हवा क्या चल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ उसका धुआं, तो मैंने बताया ना क्या होगा, कटेगी, और कटने के बाद क्या आ जाएगी आपके पास, इधर इधर को चलेगी ये, अब बताओ ये कौन सी हो गई आपके पास, समझ रहे हो, वही दिशा आ गई ना आपके पास ये, तो ये दिशा कौन सी हो गई, क्योंकि कट रही है नीचे आ रही है ना वही दिशा पे, तो उप दिशाओं को ध्यान रखना।
और इधर जाती तो आपके पास ये दिशा होती, तो आप इसको क्या बोलोगे, पूर्व, और ये होगा दक्षिण, तो आप क्या बोलोगे इसको, दक्षिण पूर्व। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, दक्षिण पूर्व। एक बार फिर देख लो, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है सर, इधर हवा का रुख किधर है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखो उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही हवा, तो हवा चलेगी तो क्या होगी, हवा कट जाएगी यानी आपके पास उप दिशाओं में चल जाएगी, चल रही है तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, तो हवा कटेगी तो आपके पास धुआं किधर आ जाएगा, इधर। और ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा आपके पास कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व। ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं अपन। चलिए साथियों सवाल देखते हैं अपन, रेलगाड़ी संबंधी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दिया अभी, अब सवाल करते हैं अपन। निशा पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है, एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, यदि रेलगाड़ी का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो निशा का मुख किस दिशा में है। चलिए सर, तो सबसे पहले देखो कि आपके पास रेलगाड़ी किधर से जा रही है, बाईं ओर से दाईं ओर, और निशा क्या है, निशा जी है वो पीट करके खड़ी है। चलो निशा जी को खड़ी करते हैं अपन। तो देखो मान लो मैं इधर करके यहाँ पर खड़ा करता हूँ यहाँ पे निशा जी को, और इसकी पीठ का मान लीजिए यहाँ ट्रेन पर लगाता हूँ, यहाँ ट्रेन चल रही है पीछे, और ट्रेन क्या है आपके पास, एक पट्टी पीट करके खड़ी है, यदि रेलगाड़ी का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो देखो यहाँ आप कंसेप्ट लगाओगे तो यहाँ तो अपन जब करते हैं तो ये तो उल्टा हो गया, और अपनी बात करते हैं रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, लेकिन ये तो बायां नहीं होगा सर, उल्टा हो जाएगा ये तो, क्योंकि ये तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बाया आ जाएगा, यहाँ दाएं, यहाँ ट्रेन चलेगी तो उल्टा हो गया ये तो, इसलिए अब देखो यहाँ नहीं बैठ रहा है, इधर को मुख करते हैं तो निशा जी का नहीं बैठ रहा है, इसलिए यहाँ नहीं बैठेगा। चलिए अब देखते हैं अपन, अपन क्या करें, यहाँ पे इधर को मुख करके खड़े करते हैं, ये हो गए निशा जी, निशा जी को अपन ने क्या किया, यहाँ पे खड़ा कर दिया पीठ करके। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, यानी उसका बायां हाथ क्या हो गया, बायां हाथ कौन सा आ गया, ये बायां हाथ आ गया, और ये सॉरी ये बायां हाथ आ गया, और ये सॉरी ये दायां होता है ना, इधर को है ना, तो ये दायां, ये दायां, और ये बायां। निशा जी पीट करके खड़ी हुई है, मैंने बताया इधर को आपके पास मुंह लगा दिया इसको ना, इधर को इसी शेप में रखा है तो निशा जी रख दिया, निशा इधर को मुंह करके खड़ी है, एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, तो देखो बाईं ओर से इधर चली रेलगाड़ी है ना, इधर से यहां पे अपन ने इसको भेज दिया, बायां ओर से दाईं ओर चल रही है। ठीक है सर, ये रेलगाड़ी मैंने रख दी है, थोड़ा सा मुंह को पहना कर दो, क्योंकि गाड़ी है पता नहीं छूट जाए, है ना। निशा जी को रख दिया पीठ लगा के, देखो बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, यदि रेलगाड़ी का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा हो, तो देखो रेलगाड़ी का धुआं क्या दक्षिण दिशा में जा रहा हो, तो निशा का मुख किस दिशा में होगा, तो अब यहां सही बैठ चुका है अपने पास। देखो निशा पटरी की ओर पीट करके खड़ी है, एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, बाईं ओर से यहां से शुरू करके दाईं ओर जा रही है, पीट लगाने सर ये अभी पीट हो चुकी है ना, यदि रेलगाड़ी का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, यदि रेलगाड़ी का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा में कौन सा आ जाएगा आपके पास, ये मान लीजिए यहाँ पे मैं मान देता हूँ, धुआं के लिए चित्र और मानने पड़ते हैं सर, इधर को आपके पास कौन सा आ जाएगा, दक्षिण दिशा यहाँ जा रहा है, ठीक है, इधर को तो हवा किधर चल रही थी, इसका मतलब हवा उत्तर की तरफ चल रही होगी, या पूर्व से चल रही थी हवा ना, पूर्व से पश्चिम पे, तो देखो जा रही थी तो निशा का मुख किस दिशा में है, देखो जैसा चित्र था अपन ने मान दिया, अब अपन से कह रहा था ना, मान लो कहता बायां बायां से दायां, यदि अपन नीचे मुंह करते तो उल्टा हो जाता, अपन इधर साइड बायां इधर साइड दायां आ जाता, तब तो ट्रेन नहीं चलती, इसलिए अपन ने क्या इस मुख इधर साइड मुख करने पर, यानी उत्तर की तरफ मुख करने पर सवाल बैठा है, कि दक्षिण तरफ नहीं बैठ रहा है सर, अभी अपन ने बैठा के देखा था, तो देखो क्या बोल रहा था पहले, तो देखो बाईं ओर से दाईं ओर, तो अपन देखा बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, ठीक है सर, यदि रेलगाड़ी का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, हाँ रेलगाड़ी का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो उसका मुख किस दिशा में होगा, तो देखो निशा जी का मुख अब कौन दिशा में आ गया आपके पास, तो निशा जी का जो मुख आ गया वो कौन सी दिशा में आ गया, पश्चिम दिशा में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पश्चिम दिशा में क्यों आ गया, ये तो दक्षिण था, लेकिन सर सवाल के अनुसार, सवाल के अकॉर्डिंग दिशाएं बदल सकते हैं अपन, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना आपके पास जो उत्तर होता है ना, उत्तर अब ये उत्तर माना जाएगा उत्तर, और ये क्या माना जाएगा, दक्षिण, क्यों, क्योंकि आपके पास उत्तर के, आपके पास हमेशा उत्तर के दाएं तरफ पूर्व होता है, तो ये जो निशा है ये इसके आपके पास ये पूर्व होगा और ये पश्चिम होगा, ये तो पूर्व माना जाएगा, ये पश्चिम, हमेशा ध्यान रखो ये उत्तर होता है, और ये उत्तर होने पर आपके पास हमेशा उत्तर का बायां आपके पास क्या माना जाता है, पूर्व माना जाता है, आप गलती से उत्तर मत कर देना, क्योंकि
क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग दिशा बदल सकते हैं आप, उनकी दिशाएं रख सकते हैं जहां सवाल के अकॉर्डिंग रखा है। अब जब अपन को पता है कि धुआं दक्षिण में जा रहा है, तो इसका मतलब रेलगाड़ी का मुंह उत्तर की तरफ होगा, जब उत्तर से धुआं चलेगी तो दक्षिण में जाएगा, तब तो ऐसी कंडीशन में उत्तर माना जाएगा ना, और ये क्या होगी, दक्षिण दिशा होगी। अब आप ये मत कर देना सर ये गलत नहीं, पश्चिम रहेगा, क्यों, क्योंकि हमेशा उत्तर के दाई तरफ पूर्व होता है, ध्यान रखना। यदि आप दिशा में कहीं भी गड़बड़ कर देते हो तो इसको सबसे बड़ा ध्यान रखना, आपके पास किसमें रेलगाड़ी संबंधी में गड़बड़ हो जाती है, तो आपके पास हमेशा उत्तर के दाई तरफ पूर्व होता है। तो देखो उत्तर के दाई तरफ क्या आ गया, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब निशा को मुख की तरफ पीट करके खड़ी है तो पश्चिम में, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, पश्चिम में, समझ बैठ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपन आगे। देखिए साथी, नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन रेलगाड़ी संबंधी में ही। आपके पास सवाल है, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो पहले दक्षिण से उत्तर की ओर रखो, हाँ तो किधर से, दक्षिण से, तो अपन ने रखा दक्षिण से, किधर को जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है सर। चलिए, यदि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हो, तो ये तो क्या आ गया आपके पास, दक्षिण हो गया, और ये क्या आ गया, पूर्व आ गया। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, यदि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो ट्रेन का धुआं क्या रहेगा। तो देखो हवा किस तरफ, पश्चिम से पूर्व की ओर, इसका मतलब पश्चिम इधर हो गया, और पश्चिम से किधर बह रही है, पूर्व की ओर बह रही है सर। इधर मान लीजिए आपके पास ये था धुआं, या इधर को रख देता हूं, इधर आपके पास धुआं था, हवा इधर चलेगी तो हवा कट के किधर आ जाएगी आपके पास, इधर, या सॉरी इधर चल जाएगी, यानी इधर कटेगी। ठीक है, एक बार फिर देख लो, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है सर, पश्चिम से शुरू होके पूर्व की ओर चल रही है इधर, और आपके पास ट्रेन इधर चल रही है, तो उसका धुआं क्या हो जाएगा आपके पास, धुआं है वो कट जाएगा, यानी उप दिशाओं में चल जाएगा, तो इधर चल जाएगा धुआं कट के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वो आ जाएगी दिशा, कौन सी आ जाएगी, उत्तर पूर्व, क्योंकि ये दिशा आपके पास क्या रहती है, ये उत्तर पूर्व तो रहती है। अब देखो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट पहले ही बता चुका हूं, इसलिए मैं आपको तुरंत सवाल समझा दे रहा हूं, यदि मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है आपने तो आपको समझ आने में परेशानी रहेगी कि तो पश्चिम कैसे रख दिया, उत्तर पूर्व कैसे रख दिया सर ने। तो आपके पास ध्यान रहे मेरा जो बेसिक कंसेप्ट है, पहले उसको देख लेना, नहीं समझ बैठता है तो। अब मैंने रख दिया, देखो हवा कट गई आपके पास, कटेगी तो ऊपर चल जाएगी, इसलिए मैंने इसको क्या रख दिया, बेस उस पर रख दिया, कौन सा आ जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, देखिए एक बार फिर देख लीजिए आप, मैं आपको एक बार फिर सवाल वापस समझा रहा हूं। एक ट्रेन है दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, यदि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो पहले पूरी बात को समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं, आपके नहीं बैठ रहा होगा समझ। देखो यदि हवा उत्तर की तरफ चल रही है ना, कब की तरफ, उत्तर से किधर चल रही है, दक्षिण की तरफ, यदि उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है इधर को, तो मान लीजिए वो ट्रेन खड़ी है ना, तो आपके पास क्या होगा, हवा जब कटेगी तो कट जाएगी ट्रेन, मान लीजिए इसी कंडीशन को नहीं चलेगी, फिर ट्रेन को इधर से बदल दिया जाएगा, या तो आपके पास इस कंसेप्ट में रख देंगे अपन, या फिर आपके पास क्या कर देंगे, इधर रख देंगे, मान लो ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है ना, लेकिन आपके पास तो फिर जैसे ट्रेन इधर हवा चल रही है, तो आपके पास ये जो हवा, यहाँ जो मान लीजिए हवा नहीं, हवा थी और कट जाएगी हवा, तो चल के किधर आ जाएगी, इधर, नंबर एक बात। ठीक है, कब, तब आपके पास वो उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है। ठीक है, और मान लीजिए दक्षिण से चल रही हो हवा, दक्षिण से हवा चल रही हो, तो आपके पास क्या करेंगे, इधर से चलेगी तो कट जाएगी हवा, और कट जाएगी तो क्या जाएगी, इधर चल जाएगी, तो ऊपर वाली यहाँ पे आ जाएगी। तो एक बात का ध्यान रखना, यदि उत्तर से चले ना ऐसी कंडीशन पे, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है गाड़ी, तो सीधा याद रख लो उत्तर से चल रही है ना, तो उत्तर से हवा चलेगी दक्षिण की तरफ, तो इस दिशा को क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे दक्षिण पश्चिम, और यदि दक्षिण से चल रही है उत्तर की ओर, तो इस दिशा को क्या बोलोगे आप, उत्तर, क्या नाम से, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये दोनों का ध्यान रखोगे, और आपके पास इधर जो कंसेप्ट आता है वो, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, और इधर का जो आता है उसको क्या बोलते हैं आप, क्या नाम से बोलोगे, दक्षिण पूर्व, है ना। अब देखो सवाल देख लेते हैं, क्योंकि पिछले सवाल में जो ये सवाल था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ताकि आपको समझ नहीं बैठोगे, इसलिए शुरू से बता रहा हूँ। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है सर, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, ठीक है सर, दक्षिण से उत्तर की ओर रख दिया अपन ने, किधर से, दक्षिण से,
दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है सर, ये यहां पर रख दिया। यदि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, हवा हवा देखिए क्या है, पश्चिम से क्या बह रही है, पूर्व की ओर, और ये क्या हो गया उत्तर। तो आपके पास जब हवा चलेगी तो कटेगी किधर आ जाएगी, इधर, और इधर आने पर कौन सी दिशा होती है ये देख लीजिए, इधर आने पर भूल जाते हो तो ऐसे रख दिया करो, इसे बोलते हैं दक्षिण, इसे बोलते हैं पूर्व, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे दक्षिण पूर्व। तो हवा कौन सी दिशा में आ गई अब आपकी, दक्षिण पूर्व की, कट जाएगी ना हवा, तो आपके पास हवा कौन सी रहेगी, दक्षिण पूर्व में। ध्यान रखना दिशा संबंधी पहले आप पहले दूसरा वीडियो देख लेना, मेरे बेसिक वाला समझ नहीं बैठता, तो वहां से आप समझ लेने के बाद फिर आपकी समझ बैठ जाएगा। देखिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, चलिए साथियों अब देखते हैं अपन कौन संबंधी, मैंने बेसिक समझा चुका हूँ कौन संबंधी में, आपके पास मैंने बता चुका हूँ आपके पास कि प्रत्येक आपके पास घूमता है वो कितना डिग्री पर रहता है, आपके पास 360 डिग्री पर रहता है पूरा, और प्रत्येक डिग्री का मैंने बता रखा है, प्रत्येक कौन से डिग्री पर रहता है आपके पास, प्रत्येक कौन 45 डिग्री पर रहता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले जो वीडियो था उसमें। चलिए आपके पास अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझ देता हूँ, फिर अपन सवाल लेंगे सर, क्योंकि मैंने इसलिए पहले मेरी सबसे वो कि मैंने शुरुआत में आपको बेसिक बता दिया था, ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये होता है 45 डिग्री का, ये 45 का, ये 45 डिग्री का, 45 डिग्री प्रत्येक का। लेकिन सर अब अपन देखते हैं आगे, आपके पास मैं समझाता हूँ दो डायग्राम बना के, ठीक है। देखिए देखिए आपके पास पहले मैं कौन समझने के लिए पूरा कंसेप्ट समझा देता हूँ बेसिक आपको। आपके पास दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाई ओर, और वामावर्त का मतलब होता है बाई ओर, दाएं बाएं तो समझते होंगे आप। जैसे आपके पास घड़ी है ना, ये घड़ी है, तो आपके पास इधर चलोगे तो आपके पास सीधा, इसको तो बोलोगे आप क्या दाई ओर, इधर दाया चल रहे हैं, और इधर चलते हो तो इसको क्या बोलोगे, वामावर्त यानी बाई ओर, तो वामावर्त को तो क्या बोलोगे बाई ओर, दक्षिणावर्त को क्या बोलोगे दाई ओर, ठीक है। देखिए शुरुआत में कितना डिग्री का रहता है, 360 यानी 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, यहाँ के 360 होता है, तो आप क्या करोगे पहले दक्षिणावर्त, तो आप दायां चलोगे, दायां 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, 270 डिग्री और 315 डिग्री, फिर यहाँ का 360 डिग्री हो जाता है। वामावर्त में क्या है आपके पास, यानी यहाँ से शुरू करोगे किधर से, उत्तर पूर्व से, तो उत्तर पूर्व शुरू करोगे 45, 90, 135, 180, 225 आपके पास, और 270 डिग्री और 315 डिग्री, यहाँ आके 360 डिग्री होता है। अब इन अपन के सवाल करेंगे सर कौन दिशा में चलता है, जैसे जैसे दे रखा है ना वैसे वैसे रखोगे आपके पास, जैसे यहाँ से रखते हैं तो 45 करनी पे पा जाता है, फिर दाया फिर बाया। तो देखो आप अपना सवाल, इसके सवाल हल करते हैं अपने पास, देखिए सवाल शुरू करते हैं अपन, मैं आपको जो कंसेप्ट बताता हूँ आप उसी तरह रखेंगे अपन, आप ज्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं है कि दाया घूमो बाया घूमो, अपन सिर्फ ट्रिक्स से समझेंगे इसको, तुरंत सवाल सॉल्व हो जाएगा अपना। इधर साइड आपके पास पहले तो देख लेते हैं कि राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, तो मान लीजिए राम इधर खड़ा है, ये पूर्व हो गए, तो देखो राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वह बाई ओर 45 डिग्री, फिर दाई ओर 135 डिग्री कोण पर, फिर बाई ओर 225 डिग्री कोण पर, अंत में दाई ओर मुड़ता है, तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो देखो अंत में दाई ओर मुड़ता है, ये अंत में बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप पूरी तरह 90 डिग्री के कोण पे जा रहे हो, ना कि 45 डिग्री पे, है ना। तो लास्ट में जब आया ना आपके पास कि अंत में दाईं ओर मुड़ता है, तो बताओ उसका मुख, तो अंत में दाईं ओर मुड़ता है, तो ये जो दाया मुड़ेगा आपके पास अंत में, तो ये 90 डिग्री पे जाएगा सर, ठीक है। तो देखो ऐसी कंडीशन क्या करेंगे अपन, ऐसे सवाल में सबसे पहले आपको ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा, यानी ट्रिक्स का मतलब है कि आपके पास इतना घुमाने का आवश्यकता नहीं है, आप तो देखो बाया की बाया तरफ दो बाई ओर और दाईं ओर, बायां का बाईं साइड रख दो, दायां का दाईं तरफ रख दो, तो देखो बाईं ओर कितना चला 45 डिग्री, मैंने रख दिया 45 डिग्री, ठीक है। फिर दायां कितना चला 135 डिग्री, ठीक है के कौन पर, फिर बाईं ओर कितने चला, फिर बाईं ओर 225 डिग्री के कोण पर, अंत में दाई ओर मुड़ता है, अंत में दाई ओर मुड़ता है, मतलब कितना आ गया 90 डिग्री, ये जो आया है वो अंत में दाई ओर मुड़ा है, उसका रखा है सर अपने, दे तो नहीं रखा है लेकिन मैंने बताया, यदि अंत में दे रखा है ना तो आपको 90 डिग्री के कोण पर घूमना पड़ेगा। तो देखो आपके पास अब जब इसको जोड़ते हैं तो आपके पास कितना आ गया 270, अपन ने रख दिया यहाँ पे 270 डिग्री, और जब इसको जोड़ते हैं तो आपके पास कितना आता है, यहाँ पे आ गया आपके पास 525 डिग्री। तो देखो बाईं ओर ज्यादा है कि दाईं ओर है, तो अपन ने देखा किधर साइड है बाईं ओर ज्यादा है, तो देखो बाईं ओर कितना है आपके पास, तो अपन ने अंतर किया 270 डिग्री में से
225 या मैं यहाँ रख देता हूँ इसको, आपके पास 273 में से 225 डिग्री, तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बच जाएगा यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, अपन ने रख दिया कितना है यहाँ 45 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री है किधर साइड से अधिक, तो अपन ने देखा कि ये बाई ओर से अधिक है, बाई ओर से है ना, क्योंकि इधर ज्यादा है आपके पास तो 70, इधर 225 है तो बाई ओर से अधिक है, तो 45 डिग्री किधर घुमाओगे आप, बाएं और घुमाओगे। अब ऐसी कंडीशन में बायां किधर जाएगा आपके सर, 45 डिग्री आप जब घुमाओगे तो बायां किधर साइड जाएगा, बायां किधर रहेगा, नीचे जाएगा ना भाई, ये किधर बोल रहा है वो बायां, तो बायां आपके पास किधर, सॉरी ऊपर है ना, कितना 45 डिग्री, तो यहाँ चल जाओगे आप 45 डिग्री जी। और ये दिशा कौन सी होगी आपके पास, ये दिशा हो चुकी है उत्तर पूर्व दिशा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया इसका, उत्तर पूर्व दिशा। आप उधर घूमने में अपन टाइम खर्च नहीं करेंगे, सीधा सवाल हल करना है अपन को, तो आपके पास कभी कभी देता है 5 किलोमीटर गया, फिर 45 डिग्री घुमा, फिर 40 डिग्री, फिर सॉरी 270 डिग्री घुमा, 180 डिग्री घुमा, तो किलोमीटर को तो हटा देते हैं, डिग्री पाता है ना, फिर डिग्री को ही रखना पड़ता है अपन को, किलोमीटर की फिर कोई आवश्यकता नहीं अपन को। और इसी तरीके से दाया बाया रखो, बाई और दाई और, जिधर साइड अंक ज्यादा है उधर साइड आप घटा के रखो, तो ये 270 ज्यादा थे साइड बाया बाई तरफ, तो बाई तरफ रख दिया ना अपन ने, तो आपके पास कितना आ गया, इसकी दिशा जब बायां घुमाया तो ऊपर आपके पास बाएं ये हाथ पर रहेगा, तो क्या आ गया दिशा आपके पास, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले सवाल पे। देखो साथियों, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपन। यदि आपके पास इसमें दे रखा है 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो पर किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है अपन को, क्योंकि यहाँ डिग्री दे रखा है, तो अपन को क्या है डिग्री से इसको हल करना है। तो देखो आपके पास मैं दाया बाया लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने दाई ओर और ये लिख दिया मैंने बाई ओर। तो देखो आपके पास पहले बाई ओर कितना जा रहा है, बाई ओर एक जा रहा है आपके पास कितना 135 डिग्री जा रहा है, फिर कितना जा रहा है आपके पास दाई ओर, ये 225 डिग्री जा रहा है। ठीक है, फिर दे रखा है मुड़कर कितना जा रहा है, वो 225 डिग्री मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, मैंने बताया किलोमीटर की आवश्यकता नहीं अपने पास, तो देखो कितना जा रहा है वो, फिर दाई ओर मुड़कर 225 जाता है, फिर मुड़कर फिर दाई ओर मुड़कर 225 जाता है ना, देखो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने डबल 225 डिग्री रख दिया था इसलिए उसको मैंने हटा दिया है ना। तो देखो वापिस राम 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, तो देखो राम 5 किलोमीटर पहले तो उत्तर दिशा में जाता है, तो अपन यहाँ रख दिया कितनी, कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, तो ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं अपन को दाएं बाएं देखना है ना, तो बाई तो फिर बाई और 135 डिग्री मुड़कर 4 किलोमीटर जाते हैं, किलोमीटर की आवश्यकता नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है डिग्री को रखना है अपन को ना, तो 135 डिग्री क्या चल रहा है वो बाई ओर चल रहा है, फिर दाई ओर कितना चलता है वो, दाई ओर 225 डिग्री दे रखा है, बताओ उसका मुख किस दिशा में है। तो देखिए अपन देखते हैं यहाँ पे काउंटिंग करेंगे घटाएंगे, तो आपके पास 225 माइनस 135 और आपके पास कितने आ गए यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ चुका है कितना 90, तो इसका मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री जाएगा तो मैंने आपको बता रखा है 90 डिग्री तुरंत तो घूमेगा, और वो जा रहा है किधर के साइड, उत्तर दिशा में जाता है। अब तो 90 डिग्री है किधर साइड, सर दाई तरफ, तो दाई तरफ आपके पास जाओगे तो इधर को दाई तरफ घूमोगे तो ये आ जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि इस कंडीशन पे आपका ये हाथ है, तो सर आप दाई नीचे घूमोगे क्योंकि कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो 45 डिग्री तो ये होगा, ये 45 डिग्री होगा ना, तो 90 डिग्री पे जाओगे तो अब आपकी जो दिशा है वो कौन दिशा हो गई, ये दिशा आपके पास कौन सी हो गई, पूर्व दिशा हो गई। ध्यान रखना दाएं बाएं पे रखना है अपन को, और इसमें किलोमीटर को नहीं देखना है, किलोमीटर पे रखा ना इसको नहीं देखोगा, बस सिर्फ ये देखना है अपन को तो कितना है, कितना डिग्री घूम रहा है। ठीक है सर, वीडियो कैसा लगा शेयर करना दोस्तों के, सब्सक्राइब करना, लाइक करना इसको। ठीक है सर।